नमस्कार दोस्तों, सरिता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भेज मोमोज बनाएंगे। इसके लिए देखिए, एक एक कटोरी हम बंदा गोभी लिए हैं, इसे हम महीन महीन काट लिए हैं। दो गाजर लिए हैं, उसे भी एक देखिए एकदम महीन महीन काट लिए हैं। दो तीन प्याज लिए हैं, उसे भी हम काट लिए हैं। मिर्च लिए हैं, उसे भी हम काट लिए हैं। देखिए धनिया पत्ता लिए हैं, ये लहसुन लिए हैं, इसको भी हम महीन महीन काट लिए हैं। और अदरक भी लिए हैं, इसे भी हम महीन महीन काट लिए हैं। सारे सब्जी को हम दोस्तों सेलो फ्राई करेंगे। देखिए कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई गरम हो गया है। इसमें हम दो चम्मच छोटा चम्मच तेल डालेंगे। देखिए दोस्तों कढ़ाई गरम हो गया है, इसमें हम तेल भी गरम हो गया। इसमें हम पहले लहसुन को डाल रहे हैं और अदरक को भी डाल दे रहे हैं। गैस को फ्लेम को हम हाई रखेंगे। और मिर्च को भी डाल दे रहे हैं। देखिए दोस्तों अब हम प्याज भी डाल दे रहे हैं। अब हम इसमें कैरेट भी डाल दे रहे हैं। अब हम इसमें कैबेज भी डाल दे रहे हैं। इसको अच्छी तरह से हम मिलाएंगे सभी को। गोल मिर्च को भी डाल दे रहे हैं। एक चम्मच सोया सॉस भी डाल दे रहे हैं। देखिए दोस्तों इसमें हम बटर को भी डाल दे रहे हैं और इसे हम मिलाएंगे। देखिए दोस्तों मोमोज का फिलिंग बनके तैयार हो गया। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर दे रहे हैं। देखिए दोस्तों इसमें नमक भी डाल दे रहे हैं और इसको अच्छी तरह से हम मिला रहे हैं। देखो सारा सब्जी का सेलो फ्राई हो गया। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर दे रहे हैं और इसे हम ठंडा होने देंगे। दोस्तों जब तक फिलिंग ठंडा हो रहा है तब तक हम इसका डो तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम देखिए एक कटोरी मैदा लिए हैं और हाफ चम्मच नमक डाले और इसमें एक चम्मच तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिलाएंगे और इसे हम गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे जिस तरह से हम पूरी का आटा गूंथते हैं उसी तरह से हम इसे गूंथ लेंगे। देखिए दोस्तों इसे हम लोई काट लिए हैं और इसे हम बेल लेंगे। बेल और आगे अब दिखाओ बोलते कि देखिए। देखिए दोस्तों बेल लिए हैं, ऐसे हम कटोरी की सहायता से काट लेंगे। देखिए दोस्तों बेल लिए हैं और इसको हम हटा दे रहे हैं। अब इसमें हम फिलिंग करेंगे। देखिए इस तरह से इस पे रख के इसको इस तरह से मोड़ देंगे। देखिए हम इसका मोमोज का फिलिंग कर ले रहे हैं। देखिए दोस्तों फिलिंग कर लिए हैं। आप इसी तरह से आपको जैसा भी डिजाइन चाहिए उस तरह से आप फिलिंग बना लीजिए। देखिए दोस्तों सारा हम मोमोज को फिलिंग कर लिए हैं। आपको जैसा भी शेप डालना हो वैसा आप बना सकते हैं। दोस्तों हम इसे इडली मेकर में बनाएंगे।
देखिए इसमें हम थोड़ा थोड़ा सभी में तेल लगा दे रहे हैं ताकि इसमें मोमोज सटे नहीं, और इसमें हम एक एक करके सभी को डाल देंगे। देखिए दोस्तों सभी को हम इडली मेकर में डाल दिए हैं। देखिए पानी पानी गर्म हो रहा है, इसमें हम सभी को डाल देंगे, इसे भी हम डाल देंगे। ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर दोस्तों 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। 10 मिनट हो गया है दोस्तों, अब हम इसे चेक कर ले रहे हैं। देखिए देखिए चम्मच में नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि आपका मोमोज बनकर तैयार हो गया। चलिए दोस्तों हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर दे रहे हैं और इसे हम थोड़ा 5 मिनट के लिए ठंडा होने दे रहे हैं। देखिए दोस्तों मोमोज को हम प्लेटिंग कर लिए हैं। देखिए दोस्तों आप भी मेरे बताए हुए तरीके से मोमोज बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा बताया हुआ रेसिपी अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।